राणा को लेकर ये बड़ी खबर है। उनके एक शुभचिंतक ने उन्हें एक चिट्ठी भेजकर दरअसल उनकी जान को खतरा बताया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पिछले काफी दिनों से काफी चर्चा में थी। हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर वो काफी चर्चा में रही, लेकिन अब उन्हें चिट्ठी लिखी गई, लिखा गया कुछ लोग नवनीत राणा का पीछा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने नवनीत के घर की रेकी भी की है। ये बड़ी बात कही गई है चिट्ठी में। ये लिखा गया है नवनीत का पीछा बाड़मेर बॉर्डर वाले इलाके से कुछ लोग आए हैं, वो लोग कर रहे हैं। शिवानी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। शिवानी, किसी सांसद को चिट्ठी लिखकर इस बात के लिए आगाह किया गया है कि उनकी जान को खतरा है, कितनी गंभीरता से ले रही है जांच एजेंसी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जैसे ही ये लेटर कल रात में मिला है नवनीत को उनके पीए द्वारा, और साफ तौर पर देखा जाएगा लेटर को ध्यान से तो नमस्ते से शुरुआत होती है, खुदा हाफिज से इसका अंत होता है। साफ तौर पर ये बताया गया है उस लेटर में कि ये व्यक्ति जिन्होंने लेटर लिखा है नवनीत को, वो उनके शुभचिंतक हैं। नवनीत ने उनके और उनके परिवार के लिए कुछ अच्छे काम किए थे जिसके चलते वो उनकी कंसर्न है नवनीत के प्रति, और उस व्यक्ति को ये जानकारी मिली है कि राजस्थान के बॉर्डर कुछ लोग जो हैं वो अमरावती पहुंचे हैं, उनके घर की उनके दफ्तरों की रेकी कर रहे हैं कि आखिर नवनीत की पूरी मूवमेंट क्या होती है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, इस चीज का सीधे सीधे तौर पर उस लेटर में जो है वो जिक्र किया गया है। हालांकि यहाँ पर नवनीत राणा द्वारा ये भी क्लेम किया गया है कि उन्हें अब तक नहीं पता कि लेटर लिखकर व्यक्ति उन्हें आगाह करना चाहता है या ये यही व्यक्ति है जो खुद उन्हें थ्रेट देना चाहता है। साथ ही साथ नवनीत की जो टीम है उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जो है अपनी एक कंप्लेन दर्ज कराई है, और जिसके बाद वो आगे FIR लेकर इस चीज की जांच करने की भी कोशिश करेंगी कि यद्यपि अगर ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ऐसी हैंडराइटिंग का या ऐसे किसी व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड रहा हो जिसके लिए नवनीत ने जो भी उस लेटर में लिखा है मदद, वो मदद नवनीत ने किसके लिए की थी, इन सारी चीजों को लेकर भी जो पुलिस है नवनीत का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। जी बिल्कुल शिवानी, इस पूरे मामले में कैसे जांच आगे की जाती है, क्योंकि इससे पहले भी सर तन से जुदा गैंग की किस तरीके से खौफ या दहशत थी या किस तरह के कृत्य थे वो सबने देखा। ऐसे में इस तरह के थ्रेट को अब जांच एजेंसी जो है, जो प्रशासन है, गंभीरता से लेता। बहुत शुक्रिया शिवानी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर आपको बता दें, बेंगलुरु से मिल रही है। बेंगलुरु जिले के सूरतकल में एक युवक पर तेज हथियार से हमला किया गया है, इसके बाद इलाज के दौरान फाजिल की मौत हो गई है। फाजिल पर हमले के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें 4 से 5 हमलावर नजर आ रहे हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सूरतकल और आसपास के इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस ने मामले में 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। फाजिल की हत्या के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चल पाया है। तो देखिए किस तरीके से धारदार हथियार से जो है फाजिल पर हमला किया गया और 4 से 5 शख्स बताए जा रहे हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से 4 से 5 जो शख्स है वो धारदार हथियार से हमला कर रहे हैं, और इस हमले के बाद जब उसे अस्पताल के लिए ले जाया गया तो उसकी मौत हो चुकी है। कर्नाटक के सूरतकल में एक और युवक की हत्या हुई है। ये 4 अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रवीण की हत्या हुई, अभी उसकी जांच चल रही है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है प्रवीण की हत्या के मामले में। वहीं फाजिल की भी हत्या कर दी जाती है, और सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है किस तरीके से धारदार हथियार से उस पर 4 से 5 शख्स जो है वो हमला करते देखे गए हैं। और फाजिल के मर्डर के बाद भी जो तनाव की स्थिति है वहां पर बनी हुई है, सूरतकल में टेंशन है। ऐसे में बसवराज बोमई जो है उन्होंने परिवार वालों से बातचीत भी की है। तो कर्नाटक में लगातार देखिए सांप्रदायिक साजिश जो है वो सामने आ रही है। एक तरफ प्रवीण की हत्या कर दी जाती है, अभी तक जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ चल रही है किस वजह से प्रवीण की हत्या की गई, ये अभी साफ नहीं हो पाया। और इसी बीच खबर ये आती है कि फाजिल को भी 4 से 5 युवक जो हैं वो मिलकर धारदार हथियार से उस पर हमला करते हैं और उसको मौत के घाट उतार देते हैं। फाजिल की हत्या के बाद सूरतकल में इस वक्त टेंशन है, बहुत तनाव की स्थिति है, पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से तस्वीरें जो वहां से सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक के सूरतकल में इस वक्त भारी तनाव देखने को मिल रहा है, वहां पर किस तरीके से सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए गए हैं। प्रवीण की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के नेता जिसकी हत्या हुई थी, उसके बाद किस तरीके से बीजेपी के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उनमें एक रोष देखने को मिला था और लगातार गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी कि जिन्होंने हत्या की है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है इस मामले में, लेकिन क्यों हत्या की गई प्रवीण का यह सवाल अभी भी बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ फाजिल की हत्या कर दी जाती है सूरतकल में, सूरतकल में भी इस वक्त टेंशन बहुत है, वहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। 2 अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मंगलवार को किस तरह से घटना घटी और गुरुवार को फाजिल की हत्या कर दी गई। Oh,
तो इस तरह की घटना के बाद लगातार सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले। इन सब चीजों के बीच में बड़ा बयान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की ओर से सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल को कर्नाटक में भी लागू किया जाएगा। देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा में रहते हैं अपने तमाम एक्शन की वजह से, बुलडोजर एक्शन हो, चाहे वो त्वरित कार्रवाई हो, और इन तमाम चीजों को लेकर बसवराज बोम्मई जब कल बीजेपी नेता प्रवीण के घर गए थे, उनके परिवार वालों से मुलाकात की थी, तो यह बड़ा रिएक्शन उसके बाद सामने आया जब उन्होंने कहा कि योगी मॉडल जैसी सख्ती करेंगे अगर जरूरत पड़ती है तो। अब देखिए किस तरीके से फाजल की हत्या की गई, उससे पहले प्रवीण की हत्या की गई थी, और प्रवीण की हत्या के बाद हिंदू संगठनों ने लगातार बसवराज बोम्मई से सवाल भी पूछे थे, और उसको लेकर क्या रिएक्शन उनका है आपको सुनाते हैं। Whatever possible we'll do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will be interested to do it.